दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं YPL की दुनिया के बड़े अपडेट्स। चेन्नई ने फिर से जीता एक ट्रॉफी, पंजाब किंग्स की रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट, धोनी पर बड़ी अपडेट, 10 ऐसे खिलाड़ी जो अंडर रेटेड हैं लेकिन बड़ी बोली लगेगी उन पर ऑक्शन के वक्त, KL राहुल आएंगे मेगा ऑक्शन में कंफर्म, और भी ढेर सारे अपडेट्स IPL से जुड़े हुए बताने वाले हैं। IPL 21 खत्म हो चुका है और IPL 22 आने वाला है। आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे IPL अपडेट सीरीज का 330वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल को लेकर। आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया, जो खेला गया था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। इस मुकाबले में तमिलनाडु की टीम ने 4 विकेट से हराया कर्नाटक की टीम को, जहां पर यह मुकाबला आखिरी एक बॉल तक पहुंच गया था और एक बॉल में चाहिए था 5 रन, और जिसमें शाहरुख खान ने एक बॉल पर 6 रन मारकर तमिलनाडु की टीम को जीत दिला दी। और इस तरह से इसी साल जनवरी के महीने में भी तमिलनाडु की टीम ने बड़ौदा को हराकर ट्रॉफी जीता था और फिर से लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीता है। और वैसे आपको बता दें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्रदर्शन पर IPL में ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाती है, खास करके अनकैप्ड खिलाड़ियों पर। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है KL राहुल से। असल में चेन्नई के जीत के सेलिब्रेशन के वक्त चेन्नई के CEO से KL राहुल के बारे में पूछा गया था और पूछा गया था कि किन खिलाड़ियों को वह अगले साल टारगेट करने वाले हैं। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के CEO ने कहा है कि KL राहुल उनके प्लान में शामिल हैं और उन्हें भी वह टारगेट करने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि यदि KL राहुल मेगा ऑक्शन में आते हैं तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स उन पर आपको बीट करते हुए नजर आएंगे। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि अभी उनके पास फैसला लेने के लिए काफी सारा वक्त है कि वह चेन्नई की तरफ से खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया और कहा है कि वह चाहते हैं कि अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई के सामने, चेन्नई के लोगों के सामने वह खेलें। मतलब महेंद्र सिंह धोनी कंफ्यूज भी कर रहे हैं और क्लियर भी कर रहे हैं। पिछला मुकाबला उन्होंने दुबई में खेला था और अभी तक उन्होंने चेन्नई के सामने खेला नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि यदि उन्हें चेन्नई के सामने खेलना है तो IPL खेलना ही पड़ेगा, या तो फिर हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी IPL 2022 में ना खेलें और किसी एक मुकाबले में बस कप्तानी करें, खेलें और फिर छोड़ दें। वैसे इसके रिकॉर्डिंग आपको अपडेट हम देते रहेंगे। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शाहरुख खान ने काफी शानदार प्रदर्शन किया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और यहां तक कि आखिरी मुकाबले में भी तमिलनाडु को जीत दिलाई थी और एक बेहतरीन फिनिशर का रोल निभाया है। और इस लास्ट बॉल वाले सिक्स को महेंद्र सिंह धोनी देख रहे हैं, इसकी तस्वीर सामने आई है जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने पोस्ट किया है। और इस तस्वीर से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है शाहरुख खान को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट करेंगे आने वाले IPL में। इसके साथ इस प्रदर्शन के बाद हो सकता है पंजाब किंग्स शाहरुख खान को रिटेन करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यदि वह रिलीज करेंगे उन्हें तो फिर कई सारी टीम होंगे जो उन पर बहुत ज्यादा भीड़ लगा सकते हैं। तो आपके मुताबिक क्या शाहरुख खान को चेन्नई सुपर किंग्स में जाना चाहिए या तो फिर पंजाब किंग्स में रहना चाहिए, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज आ रहा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला देखते देखते आप पैसे कमा सकते हैं। स्टार पंटर पर क्रिकेट के सभी मुकाबले चलते हैं और इन मुकाबलों में आप अपनी फैंटेसी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसमें फैंटेसी टीम बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम है, जिसकी वजह से आपके जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं। इन मुकाबलों में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं, हर तरह से खेल सकते हैं आप। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें और फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर राइट साइड में इस आइकन पर क्लिक करें और सारे डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लें और फिर अपना डिपॉजिट अमाउंट आप ऐड करें यहाँ पर क्लिक करके। अमाउंट ऐड होते ही आप इन पैसों से अपने मन पसंदीदा गेम खेल सकते हैं। इसमें क्रिकेट के अलावा रमी, कैसीनो, टेबल गेम, अंदर बार और भी तरह तरह की वैरायटीज मिलेगी आपको। इसके साथ ही इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको ₹500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप स्टार पंटर पर गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी डाउनलोड करें और पैसे कमाएं। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है पंजाब किंग्स की तरफ से। आपको हमने पहले ही बताया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वह IPL के ऑक्शन में 3:1 का फॉर्मेट में जाएंगे, यानी कि 3 भारतीय खिलाड़ी और 1 विदेशी खिलाड़ी। और ऐसा ही कुछ पंजाब किंग्स भी प्लान कर रहे हैं, जहां पर वह भी 3 खिलाड़ी को रिटेन करेंगे और 1 विदेशी खिलाड़ी को रिटेन करेंगे, या तो फिर 3 खिलाड़ी रिटेन करेंगे और फिर छोड़ देंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मयंक अग्रवाल का, दूसरे नंबर पर नाम आता है मोहम्मद समी का, और तीसरे नंबर पर नाम आता है रवि बिश्नोई का। अब चौथे खिलाड़ी कौन होंगे यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि पंजाब किंग्स इन 3 खिलाड़ियों को क्यों रिटेन कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, जहां पर आर्टिकल के द्वारा आपको हम इसे डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको पछतावा नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है हार्दिक पांड्या
की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे हार्दिक पांड्या को तो न्यूजीलैंड के खिलाफ चुना नहीं गया था। इसके साथ ही अब खबर आ रही है कि भारत का जो साउथ अफ्रीका का दौरा होने वाला है उसमें भी हार्दिक पांड्या को हो सकता है जगह नहीं दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कल यह रिपोर्ट आई है कि हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने कहा है कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करना है और वहां पर अपने आप को प्रूव करना है, अपनी फिटनेस को प्रूव करना है, और यदि ऐसा करने में वह सफल नहीं रहते हैं तो फिर उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर में नहीं चुना जाएगा। वैसे भी हार्दिक पांड्या की जगह वेंकटेश अय्यर को शामिल किया गया है और वह भी अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो हार्दिक पांड्या साइड लाइन हो जाए तो उन्हें किसी भी तरह अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, और यदि कहीं वह ड्रॉप किए जाते हैं तो इसका असर उनके आईपीएल की रिटेंशन पर भी होगा, उनके ऑक्शन बिड पर भी होने वाला है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के स्टार खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर की तरफ से जो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। उनको भारतीय टीम में सिलेक्ट होने के बाद कई सारे लोग कई तरह के खुलासे कर रहे हैं। जहां पर आपको बता दें हरभजन सिंह ने जब वेंकटेश अय्यर का खेल देखा था, प्रदर्शन देखा था, तब उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि इस बार के आईपीएल सीजन का वह एक बड़ी खोज रहने वाले हैं। इसके साथ ही रिकी पॉइंटिंग ने उनको लेकर कहा है कि जब वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2021 के पहले पार्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय उन्हें मौका नहीं मिला था। तब रिकी पॉइंटिंग ने ब्रैंडन मैकुलम से पूछा था कि यह जो नेट में बैटिंग कर रहा है वह लड़का कौन है, वह खेल क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे में ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि वह अभी इन्हें मौका नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब वैसा परिस्थिति आएगा तो इन्हें मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में रिकी पॉइंटिंग ने कहा था कि एक बार इसे मौका देकर देखो। चलिए देखते अपना आठवां अपडेट। दोस्तों इस अपडेट में आपको बताने वाले उन खिलाड़ियों के बारे में, उन 10 खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें लोग अभी तक अंडररेट कर रहे हैं और आईपीएल के मेगा ऑक्शन में उन पर बड़ी बोली आपको लगते हुए दिखने वाली है, और क्यों इन पर बड़ी बोली लग सकती है वह आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है सेल्डन जैक्सन का, दूसरे पर आता है हेडन मार्करम का, तीसरे पर जितेश शर्मा, चौथे पर तन्मय अग्रवाल, पांचवें पर रैसी वेंडर हुसैन, छठे पर एडम जैम्पा, चौथे नंबर पर अक्षय करनेवार, तीसरे नंबर पर नाम आता है डेरिल मिचेल का, दूसरे पर लियाम लिविंगस्टोन, और पहले नंबर पर नाम आता है जेम्स निसाम का। और इन पर क्यों बड़ी बोली लगेगी इसकी जानकारी आपको हम अपने आर्टिकल्स के जरिए देंगे जो हम अपने कम्युनिटी टैब या तो फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे और पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों यह थे आज के आईपीएल के बड़े अपडेट्स। ऐसे अपडेट्स आपके लिए हम रोज लाते हैं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी हुई और भी मजेदार वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलता है, तो हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।